छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही शराब की अवैध बिक्री शुरू हो गई है और इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई है और इसी के तहत मुशगहन थाना पुलिस ने काठडीह स्थित पुरानी शराब भट्टी पर छापामार कार्रवाई करके 123 पेटी अवैध शराब जब्त की है जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपया की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।